नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं, कहीं बाढ़ का संकट बना है, तबाही की एक एक तस्वीर आगे दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। बलिया में एक परिवार के आधा दर्जन लोगों को आंख की है अजीबोगरीब समस्या, ये भी आपको आगे बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। पहाड़ों पर खतरा बना हुआ है। केदारनाथ हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, बड़ी चट्टान टूटकर सड़क पर आ गई, तो वहीं मैदान में सैलाबी संकट दिखाई दे रहा है। पानी की दहाड़, खिसक रहे पहाड़, मॉनसून का वार, हर तरफ हाहाकार, नदियों में उफान, शहरों में सैलाब। देश के कई राज्य इस वक्त भीषण बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन और पर्यटन दोनों पर ब्रेक लगा दिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक पहाड़ों के दरकने की डरावनी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीर उत्तराखंड के केदारनाथ हाईवे की है, जहां देखते ही देखते चंद सेकंड में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा हाईवे पर आ गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से भी कुछ ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ से लगातार पत्थरों की बौछार होती दिखाई दी। पत्थरों की बौछार होने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। और अब जम्मू कश्मीर के राजौरी से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां आज सुबह हुए लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। राजौरी के नगरोटा इलाके में लैंडस्लाइड के बाद सड़क बंद हो गई, जिससे सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन दिखाई दी। डराने वाली तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर से भी सामने आई। वहां तेज बारिश के बाद लूनी नदी का जलस्तर बढ़ गया और दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे बरसाती नाले को पार करते नजर आए। बाढ़ और बारिश के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी उफान पर है। तेज बारिश के कारण 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दूसरी तरफ बिहार में गंगा और गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। बलिया का रहने वाला एक परिवार आंखों की अजीबोगरीब बीमारी से जूझ रहा है, जिसमें कुछ लोगों को दिन में नहीं दिखाई देता, कुछ सदस्यों को रात में लाइट के बावजूद नहीं दिखाई देता। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बलिया जिले का एक गांव चर्चा में बना हुआ है। यहां टकरसन गांव में एक परिवार को ऐसी बीमारी है जो सुनने में कम ही आती है। गांव में रहने वाला ये राम प्रवेश का परिवार है। घर में पत्नी के अलावा 6 बेटे हैं, जिनमें से कुछ की शादी हो चुकी है। इस परिवार के 6 सदस्यों को आंखों की गंभीर बीमारी है। दावा है कि राम प्रवेश के 4 बेटों के लिए दिन का उजाला भी अंधेरे के समान है, क्योंकि इन्हें दिन में दिखाई नहीं देता है। वहीं 2 सदस्यों को शाम ढलते ही यही समस्या हो जाती है। रात में लाइट भी जले तो इन दोनों को दिखाई नहीं देता। कई सालों से वो इस समस्या के साथ ही जी रहे हैं और अब इसी को अपनी नियति मान बैठे हैं, क्योंकि परिवार का कहना है कि उन्होंने बलिया जिला अस्पताल से लेकर दूसरे राज्यों के भी कई अस्पतालों के चक्कर काटे, आंखों के डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। आंखों की समस्या ठीक नहीं हुई, जिससे उनकी जिंदगी से उजाला दूर हो चुका है। बलिया के हनुमानगंज ब्लॉक में टकरसन गांव पड़ता है। पीड़ितों के मुताबिक उन्होंने बिहार और नेपाल में जाकर भी डॉक्टरों से अपनी आंखों की जांच करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। परिजनों के मुताबिक राम प्रवेश के बेटे हरी, रामू,
भानु और जयराम को दिन में नहीं दिखता है, जबकि रामू की पत्नी सुनीता देवी और परिवार के एक और सदस्य को शाम ढलते ही दिक्कत शुरू हो जाती है। दावा है कि आंखों की ये समस्या बचपन से ही चली आ रही है, उस वक्त कम दिखाई देता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ये समस्या और भी जटिल होने लगी। आंधा वान मजूरी करे लन कितना दिन से बचपने से अंधा बन जा। अच्छा तो कैसे तो हम लोग के खर्चा वर्चा चल रहा? वही तरह कोई भैया बहनी ले जला हम धके ले आवेला तो वही तरह धर्म कर्म चलेला। राम प्रवेश का परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है, मेहनत मजदूरी करके घर के सदस्य अपना गुजर बसर करते हैं। उनका कहना है कि पैसों के अभाव में वो बड़े अस्पतालों में अपना इलाज भी नहीं करवा सकते, ऐसे में परिवार आंख की समस्या के साथ ही जीवन जी रहा है। आंखों की बीमारी के एक्सपर्टों के मुताबिक जिन लोगों को दिन में देखने की समस्या होती है उनको ग्लूकोमा या फिर ऑप्टिक नर्व में समस्या हो सकती है, वहीं रात की रोशनी में जिसे आंखों से देखने में परेशानी आए उसे रतौंधी कहते हैं, हालांकि ये जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है। हालांकि जांच के बाद ही असली बीमारी का पता चल सकता है, फिलहाल इलाके में बीमारी चर्चा का विषय बनी हुई है। बलिया से न्यूज 18 के लिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में बहुत बड़ा विमान हादसा हो गया है, प्लेन में 62 लोग सवार थे, सभी की दर्दनाक मौत की खबर है। हादसा बेहद ही भयानक था जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ब्राजील में बहुत बड़ा हादसा, प्लेन क्रैश ने दहलाया। जितनी ये दर्दनाक खबर है उतना ही इसका खौफनाक वीडियो सामने आया है। हवा में उड़ रहे यात्री प्लेन का अचानक संतुलन बिगड़ा और वो देखते ही देखते जमीन पर गिरकर क्रैश हो गया। हादसे के वक्त कितना भयानक मंजर रहा होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। प्लेन साओ पाउलो की तरफ जा रहा था, साओ पाउलो से करीब 80 किलोमीटर दूर प्लेन ऊंचाई में उड़ रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पायलट प्लेन से अपना नियंत्रण खो देता है, इसके बाद प्लेन हवा में ही डगमगाने लगी। इसके बाद का वीडियो और भी भयानक है, प्लेन उड़ने की बजाय नीचे की तरफ आते हुए गोल गोल घूमने लगा। प्लेन में सवार यात्रियों के सामने मौत खड़ी थी और जिसका अंदेशा था हुआ भी वही, प्लेन नीचे की तरफ आता गया और रिहायशी इलाके के पास गिरकर क्रैश हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त दुर्घटना हुई तब जोर की आवाज आई जिससे आसपास रहने वाले लोग भी दहल उठे। हादसा विनहेडो शहर में हुआ, प्लेन में सवार सभी यात्रियों के मारे जाने की खबर है। हादसे के शोर में सबकी चीखें दब कर रह गई। दुर्घटना में मारे गए लोगों को क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। विमान में 62 लोग सवार थे जिसमें 58 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। 8 सेकंड के इस वीडियो में सड़क पर एक शख्स चलता हुआ भी दिख रहा है, वो भी हादसे से हिल गया। हवाई जहाज ने पराना राज्य के कास्केवेल से दोपहर के वक्त उड़ान भरी थी जो साओ पाउलो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ बढ़ रहा था। जानकारी के मुताबिक ATR-72 विमान हादसे का शिकार हुआ है। इससे पहले कि सभी लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते, इस हादसे ने उनकी जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। गनीमत रही कि विमान घरों पर नहीं गिरा, नहीं तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। प्लेन पेड़ों वाली जगह पर गिरा था, प्लेन गिरने के बाद जोर की आवाज आती है, उससे धुएं का गुबार उठता है और आग लग जाती है। इसके बाद तो घटना स्थल पर मलबा ही नजर आया। हादसा कैसे हुआ फिलहाल जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुटी हैं, लेकिन इस दर्दनाक हादसे से पूरा देश हिल गया है। कई लोगों ने अपनों को खो दिया। अभी कुछ दिन पहले नेपाल में भी भीषण प्लेन हादसा हुआ था जिसमें 18 लोगों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।
और अब बात मेक इन इंडिया से बदलते भारत की तस्वीर की। भारतीय सेना को एक खास तरह की गाड़ी सौंपी गई है। ये गाड़ी जल और थल दोनों जगह पर बड़े आराम से काम कर सकती है। इसे पेट्रोलिंग सेना की टुकड़ी को दुर्गम जगह पर पहुंचाने के अलावा कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जल और थल में बढ़ी भारतीय सेना की ताकत। भारतीय सेना के पास ATOR का दम। हर मौसम में दुश्मनों को चोट देने के लिए तैयार। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा करती इस गाड़ी का नाम ATOR 1200 है। ATOR मतलब ऑल टेरेन ऑफ रोड, यानी इस गाड़ी को जमीन पर दुर्गम से दुर्गम रास्ते पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये गाड़ी पानी में भी तैर सकती है। इस गाड़ी का इस्तेमाल सेना पेट्रोलिंग के लिए कर सकती है। इसे हर मौसम में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी वजह है इस गाड़ी के ऊंचे ऊंचे टायर। करीब 6 फीट के 4 टायर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल पथरीले और उबड़ खाबड़ सड़क, दलदल, बर्फीले चट्टानों और रेगिस्तान में इसे कामयाब बनाते हैं। 2400 किलोग्राम वजनी ये गाड़ी 1200 किलो वजन लेकर अपने साथ चल सकती है। गाड़ी में एक साथ 8 लोग बैठ सकते हैं। जमीन पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। गाड़ी में 232 लीटर का फ्यूल टैंक भी लगाया गया है। खास बात यह है कि इसमें कोई स्टीयरिंग नहीं है, इसे लीवर की मदद से चलाया जाता है। इसे चंडीगढ़ के डिफेंस कंपनी JWS ने तैयार किया है और इस कंपनी ने 250 करोड़ की लागत से 96 गाड़ियां सेना को सौंपी हैं। मतलब करीब 2 करोड़ में एक गाड़ी तैयार हुई है। गाड़ी की उम्र करीब 30 साल है। सेना के बाद इसे अर्धसैनिक बलों को भी दिए जाने की तैयारी है। फिलहाल ये दमदार गाड़ी भारतीय सेना को कई तरह की चुनौतियों का सामना करने में मददगार साबित हो रही है। और यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।